बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट यह है कि यार एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर मैं आपके साथ। इससे पहले ना मैं इससे इसी मौजू पर एक से दो वीडियो गालबन अपलोड कर चुका हूँ पहले भी, लेकिन अभी न्यूज इसके मुतल्लिक काफी ज्यादा आती है कि कोई कहीं पकड़ा गया है, कोई कहीं पकड़ा गया है। तो मैं ये सोचता हूं कि ऐसी वीडियो आप भाइयों के साथ वक्तन फवक्तन शेयर करता रहूं। बात यह है कि जो सऊदी अरब में खासकर मेरे ड्राइवर भाई हैं, और वो ड्राइवर भाई जो लोडिंग, जिनके पास गाड़ियां वगैरह हैं, जो लोडिंग का काम करते हैं, यानी के तो आपके लिए खासकर डैना जो चलाते हैं यहां पर, तो उनके लिए है जी। बात यह है कि सऊदी अरब में सब आप सबको पता है जी कि लकड़ी का कारोबार करना मना कर दिया गया था, यानी कि लकड़ी बेचने पर भी मना है, लकड़ी कहीं से लाने पर, काटने पर, किसी की भी कोई भी किसी किस्म की लकड़ी एक से दूसरी जगह ले जाने पर मना है। तमाम खारजी भाई इस चीज पर खास नजर रखिएगा कि अगर आपको कोई भी बंदा एक से, यानी कि 100 रियाल का वहां से ट्रिप है, वो आपको 300 रियाल दे रहा है कि मेरी ये लकड़ी इधर से उधर ले जाओ, तो बाई मत कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर 10,000 से लेकर 50,000 रियाल तक का फाइन होगा। ये अपने जहन में रखिएगा। आप कहीं भी एक जगह से लकड़ियां उठाते हैं जलाने वाली, दूसरी जगह पर लेके जाते हैं। वैसे जो बल्दिया की गाड़ियां घूमती हैं वो तो दरख्त वगैरह काटते हैं, गाड़ियों में फेंकते हैं, वो तो लेके जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भाई उसे जाया करते हैं, कहीं बेचने वगैरह का काम नहीं करते हैं। तो इस चीज को अपने जहन में रखिएगा। तमाम ड्राइवर भाई खास करके लकड़ी के मामले में किसी भी बंदे की कोई किसी किस्म की लकड़ी इधर से उधर मत लेके जाइएगा, और कोई बंदा खड़ा हो कि उसके पास लकड़ियों की गांठ है कि मुझे लिफ्ट दे दो यार इधर से उधर तक, तो उसे भी बराए मेहरबानी अपनी गाड़ी में मत बैठाइएगा, क्योंकि ये भाई कानूनन जुर्म है, जुर्माना इस पर काफी ज्यादा जो मैंने आपको बता दिया है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।